आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे जम्मू के टैलेंट की सीरीज में मैं आपको दो शख्सियत से मिलवाने जा रही हूँ। दोनों भाई बहन हैं और डिवोशनल सॉन्ग जो है वो गाते हैं, एक गाती है और एक बजाते हैं। तो हम दोनों से आपको रूबरू करवाएंगे और दोनों आपको बता दूँ कि म्यूज़िक के स्टूडेंट्स हैं और उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले दीप, आपका स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक्स मैम। दीप, मुझे बताइए कि किस तरह से आपने शुरुआत की। जिस तरह से हम म्यूज़िक तो सीखते हैं, म्यूज़िक के स्टूडेंट तो रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे तक रहता है, हम उसे डिवोशनल लें या हम जिस तरह से उसे किसी भी वे में ले सकते हैं, तो किस तरह से आपके मन में विचार आया कि मुझे डिवोशनल सॉन्ग ही के ओर आगे बढ़ना चाहिए। जी मैम, थैंक यू। मैं बताना चाहूँगी कि जैसे कि हमको कुछ भी आता है तो हमें उसके लिए पहली प्राथमिकता देनी चाहिए प्रभु को, कि हम जो भी अगर जीवा दी है तो उसको पवित्र तभी माना जाता है जब प्रभु के दरबार में उसे गाया जाता है। अगर कुछ बजाना आता है तो वो प्रभु के दरबार में ही बजा के वो सार्थक माना जाता है। इसलिए मेरी सोच भी जो है बचपन से भी उसी फील्ड में थी कि हमें कुछ भी अगर बजाना गाना आता है तो क्यों ना उसे प्रभु के दरबार में पेश किया जाए। तो बचपन से इसी तरह का था, क्योंकि पिछले 8 साल से आप इसी प्रोफेशन के साथ जुड़े हैं, डिवोशनल सॉन्ग गाते हैं। जी मैम, हम बचपन से ही दोनों भाई बहन जो है इस लगन में लगे हुए हैं और हम घर घर जाके कीर्तन जागरण वगैरह करते हैं। लोग बहुत ही पसंद करते हैं हमें और इसी के साथ लोगों के प्रेम के साथ ही हम आगे आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरे इस और अभिषेक है, उनसे हम बातचीत करेंगे। अभिषेक, आपका स्वागत है। मुझे बताइए कि जिस तरह से म्यूज़िक की बात की जाए, जिस तरह से आपकी सिस्टर गाती हैं और आप बजाने का काम करते हैं, कभी ये नहीं सोचा कि मुझे गाना भी चाहिए? नहीं, मैं मेरे को वैसे बजाने का ही शौक है। तो जब हम दूर से देखते हैं तो काफ़ी इजी लगता है कि ये इसमें क्या बजाने वाला, लेकिन जो सीखता है उसके लिए डिफ़िकल्ट रहता है क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें इसमें होती हैं। क्या क्या कुछ होता है ये? है इसमें थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और ये मतलब कि बैकग्राउंड में आता है। ये जो बजाने वाले बंदे हैं इनको ज़्यादा आगे आने का मौका नहीं मिलता है जी, ये बैकग्राउंड में ही प्ले करते हैं। तो लोगों को चाहिए कि इनको भी आगे। तो किस तरह से बजाते हैं आप, इसे ज़रा एक बीट दे दीजिए। 3 ताल में थोड़ा सा पेशकार बजाऊँगा, कोशिश करूँगा बजाने की जी। बताइए, बहुत ही बढ़िया आपने बजाया। तो कितने ताल होते हैं इसके और किस तरह से इसे बजाया जाता है? वैसे तो इसके बहुत सारे ताल होते हैं, काफ़ी ज़्यादा ताल होते हैं, गिनती नहीं की जा सकती जी। तो कभी डिफ़िकल्टी आई? जैसे हम दूर से हम देखते हैं कि काफ़ी आसान लगता है, कि जितना इसे देखना आसान है क्या उतना बजाना आसान है? नहीं, इसको काफ़ी रियाज करना पड़ता है वैसे जी, तो इतना आसान नहीं है दान जी। तो हम कहीं ना कहीं जो चीज़ दूर से देखते हैं हमें वो आसान लगती है, लेकिन वो उतनी आसान नहीं होती है जितना हमें लगता है। इस समय हमारे साथ मौजूद है दीप जी, इनसे बातचीत करते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट भी बजाते हैं और ये गाते भी हैं। दीप, मुझे बताइए कि किस तरह से आपने शुरुआत की। जिस तरह से गाने की हम बात करें उसके साथ साथ बजाना भी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहता है। जी मैम, ये जो हर जब भी इस धरा पे इंसान आता है तो उसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुओं के शरण में जाना पड़ता है। तो मैंने भी ऐसे बहुत सारे गुरुओं के शरण में गई और उनसे मुझे बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे संगीत विद्या सीखने का अवसर मिला। अभी भी मैं अपने गुरुओं की शरण में जा रही हूँ और संगीत की शिक्षा जो है धारण कर। जब भी हम जम्मू की बात करते हैं, जिस तरह से जम्मू के टैलेंट की बात करें, तो सबसे पहले हमारे मुँह पर डोगरों की आवाज़ आती है कि हम डोगरे हैं। और जिस तरह से डिवोशनल सॉन्ग की बात की जाए तो सबसे पहले जो भी आप गाएंगे तो उसे डोगरी में गा के सुनाइए। जी मैम, मैं माँ के दरबार में एक सुंदर सा भजन डोगरी में आपके सामने पेश करने जा रही हूँ। सभी को जय माता दी, जय माता दी। माता शीरा वाली, माता शीरा वाली मिलने की आई जायो, ओ माता शीरा वाली मिलने की आई जायो, फिर पाड़ेंगी टूटी जायो। माता शीरा वाली मिलने की आई जायो, फिर पाड़ेंगी टूटी जायो, फिर पाड़ेंगी टूटी जायो,
कुछ पाई जायो, फिर पाड़ेंगी टुरी जायो, फिर पाड़ेंगी टुरी जायो, फिर पाड़ेंगी टुरी जायो। बहुत ही बढ़िया, हमारी डोगरी बोली तो मीठी है, साथ ही साथ इनकी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा मीठी है। मुझे बताइए किस तरह से आपने शुरुआत की, क्योंकि देखा जाता है कि हर कोई अपने अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग चलता है, हर किसी का अलग अलग जो है रुझान होता है वो कहूँगी मैं। तो आपका किस तरह से म्यूज़िक की तरफ क्या शुरू से ही रुझान रहा था, या कभी किसी ने कहा कि आपको म्यूज़िक में क्या है या आपको कोई और प्रोफेशन चूज़ करना चाहिए? जी मैम, बहुत से लोगों ने कहा कि म्यूज़िक में क्या रखा है, लेकिन एक अपनी आत्मा भी आवाज़ देती है कि म्यूज़िक एक परमात्मा के पास साधन जो है जाने का, वो संगीत भी एक कहीं ना कहीं माना गया है। तो ये जो जीवन में लिखा होता है कि हमने संगीत के माध्यम से सेवा करनी थी, तो हम जो है संगीत की ओर ही बढ़े और संगीत में ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। कितना ज़्यादा सपोर्ट आपके साथ रहा? पेरेंट्स का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा सहयोग है, इस कीर्तन लाइन में भी और भजनों के लेवल पर भी देखा जाए वो हमें बहुत करते हैं, क्योंकि वो खुद भी धार्मिक पथ पर चलते हैं और धार्मिक प्रवृत्ति के हैं और हमें भी आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। फुल सपोर्ट रहता है हमें पूरे पेरेंट्स की ओर से, फैमिली की ओर से। तो बाय प्रोफेशन आपने जिस तरह से इसे चुना है, तो क्या लगता है इस प्रोफेशन में कितना ज़्यादा आगे उज्जवल भविष्य है? इसमें बहुत ज़्यादा ही उज्जवल है। अजय अपनी अपनी सोच की मान्यता है, जिसे कहते हैं कि सोच बदलोगे तो सितारे बदल जाएंगे, नज़र बदलोगे तो नज़ारे बदल जाएंगे। जी अपनी अपनी सोच के लेवल पर डिपेंड करता है कि हम जितना अगर इस पे टाइम देते हैं तो उतना ही हम आगे बढ़ेंगे, जितना समय इसको समय देने की ज़रूरत है। तो आपने अभी तक कौन कौन से प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म किया है, जम्मू के अलावा कहीं और बाहर गए हैं, जम्मू में कहाँ कहाँ? जम्मू में हमें बहुत ज़्यादा संगत जो है प्यार भी देती है, जैसे छन्नी पंच मंदिर के लोग हमें बहुत प्रेम देते हैं। हम बहुत समय से 8-10 सालों से मंदिर में जो प्रांगण में बहुत अच्छे अच्छे लेवल के प्रोग्राम करते हैं, जन्माष्टमी के महोत्सव का, शिवरात्रि महोत्सव का, तो गांधीनगर, त्रिकुटा नगर, वैसे अन्य स्थानों पर हम जम्मू में प्रवास रहता है और साथ में हम जागरण कीर्तन के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हैं और धर्म के रास्ते पर चलाने की प्रयास करते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से ये अशांति भरा इस समय दौर चल रहा था, पिछले साल की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा लोग अशांत थे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक भजन एक ऐसा माध्यम है जो लोगों के मन को शांत करता है। तो कोई एक और भजन जो है वो हमारे जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं वो सुनना चाहेंगे। कोरोना महामारी के दौरान हमने एक भजन जो है बहुत सारा गाया, लोगों ने बहुत प्रेम भी दिया, ये उसी पे आधारित है कि परम पिता परमात्मा हमारी अरदास मंजूर करना, बहुत ही सुंदर भाव है, आइए सभी मिलकर श्रवण करते हैं। मेरे परम पिता परमात्मा कर सब दुखांदा खात्मा, हर पासे सुख दी आस करा, हाथ जोड़ के मैं अरदास करा। मेरे परम पिता परमात्मा कर सब बहुत ही बढ़िया आपने गाया। मुझे बताइए जब कोरोना का दौरान था, लॉकडाउन था, तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी जो है लोगों को आई, सारे काम जो है बंद पड़े थे, तो क्या आपको भी उन्हीं परेशानियों का सामना करना पड़ा था? जी मैम, सभी को, देश भर को इस परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन हमने घर बैठे ही एक सेवा का माध्यम चुना क्योंकि घर में सभी लॉकडाउन हो चुके थे, तो हमने घर घर ये लाइव प्रोग्राम करने का एक निर्णय लिया। तो हमने बहुत सारे लाइव प्रोग्राम भी दिए, जैसे कि जागरण टीवी शिकागो में अमेरिका की ओर, उधर संगत को हमने जागरूक करने का प्रयास किया लाइव के माध्यम से, सिद्धपीठ महाबली संकट मोचन
दर्शन हनुमान मंदिर लुधियाना मंदिर की ओर से, उनके दरबार में भी हमने हाजिरी जो है लाइव घर बैठे ही दरबार में हाजिरी दी और घर बैठे ही लोगों ने संकीर्तन किया और प्रभु के दरबार में अपनी अपनी हाजिरी लगाई और अरदास की कि ये विश्व जो है कोरोना महामारी से जूझ रहा है, प्रभु उसे संकट भरी परिस्थिति को जल्द से जल्द हर लो। कितना प्यार आपको मिला? लोगों का भरपूर प्यार जो है हमें मिलता रहता है और आगे भी मिलता रहेगा, ऐसी हम अपेक्षा रखते हैं। वो कहा जाता है कि जब भी हम धार्मिक कोई भजन सुनते हैं तो कहीं ना कहीं मन में शांति मिलती है, लेकिन आज का समय ऐसा है जब से नया साल शुरू हुआ है या पिछले सालों की अगर बात की जाए तो आज के टाइम पे सुसाइड केसेस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, आप क्या इस पे अपने विचार बताएंगे? मैम, सुसाइड केस बहुत देखने को मिल रहे हैं, ये बहुत ही दुख भरी बात है, लेकिन इसका कहीं ना कहीं कारण ये भी है कि हम आत्म जागरूक नहीं हैं। यदि हम आत्म जागरूक होंगे, हम कथा में जाएंगे, देवी कथा में जाएंगे, भागवत कथा सुनेंगे, संतों की शरण में जाएंगे, तो कहीं ना कहीं हमें ये मूल्य पता लगेगा कि हमारा जीवन कितना अमूल्य है। और जो इस जीवन की वास्तविकता को नहीं जानता, उस परमात्मा को नहीं जानता कि जीवन का लक्ष्य क्या है और वो उस लक्ष्य को क्या बना बैठे हैं, वो सुसाइड तक सीमित रह जाते हैं। ये दुर्भाग्य होता है उन लोगों का। अगर इस बात को समझ लें तो ऐसी नौबत ना आए, अगर अपने जीवन को उसका आधार को समझ लें, अपने उद्देश्य को जान ले, तो ऐसा सुसाइड ना करें जी। लेकिन आज का जो युवा है वो इन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा दूर है। मैम, युवा दूर इसलिए है क्योंकि ये कहीं ना कहीं घर के संस्कार होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे पेरेंट्स जो हैं वो भी जागरूक नहीं है तो वो अपनी संतान को जागरूक नहीं कर सकते, क्योंकि संतान जागरूक तभी होती है जब उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट करें। पेरेंट्स अगर धार्मिक प्रवृत्ति के हैं तो वो अपनी संतान को भी अच्छे मार्ग की ओर लेकर बढ़ेंगे और अच्छे मार्ग पर जाएंगे, तो ऐसा तो दावे के साथ कह सकते हैं हम कि वो जो है धर्म के रास्ते पर चलेंगे और वह युवा जो है जागरूक खुद हो जाएगा। तो हम अभिषेक की ओर रुख करेंगे। अभिषेक, मुझे बताइए कि जो आज का युवा है काफ़ी ज़्यादा भटका हुआ है, जिस तरह से मैंने सुसाइड केसेस की बात की, अगर आपकी बात की जाए तो जिस तरह से आपने कहा कि आपको तबला बजाने का काफ़ी ज़्यादा शौक है और आप इसी को आगे लेके बढ़ रहे हैं, तो क्या अपने प्रोफेशन को लेकर आप जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें सपोर्ट नहीं मिल पाता, कभी सपोर्ट मिल पाता है तो कहीं ना कहीं वो अपने जो उनको काम मिला होता है उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, तो आप क्या कहना चाहिए, किस तरह से देखते हैं इसे? जी मैम, एक्चुअली बात क्या है कि जो युवा है आज का, वो मतलब कि ज़्यादा नशे वगैरह की तरफ ज़्यादा इस तरफ चले गए हैं, तो मतलब कि वही जैसे वो पूरे से दीदी कि आत्म जागरूकता होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है जी। ये आत्म जागरूकता आती है अध्यात्म की ओर जब हम बढ़ेंगे तो तभी आती है जी। मतलब कि हमको अपने भारतीय संस्कृति की ओर लौट चलना चाहिए वापस जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से इनका साफ तौर से कहना है कि आत्मा की जागरूकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिस तरह से हमारी पौराणिक बात की जाए, सांस्कृतिक बात की जाए, तो हमें उसे कहीं ना कहीं भूलना नहीं चाहिए, उसे अपने साथ लेकर चलना चाहिए। क्या एक संदेश आप सभी हमारे माध्यम से जो भी दर्शक देख रहे हैं उनको देना चाहेंगे? मैं संदेश यही देना चाहती हूँ कि धन्य वो आंखें होती हैं जो परमात्मा का दर्शन जो है करती हैं, और दुर्भाग्य होता है उन आंखों का जो इस जीवन के रहते भी उस परमात्मा का दर्शन नहीं कर पाती। तो हमें कहीं ना कहीं सोच करनी चाहिए, एक अमल करना चाहिए कि हम भी कहीं ना कहीं कुछ छूट तो नहीं गया, क्योंकि किसी का कुछ गुम हो जाए तो उसे चिंता होती है, लेकिन इंसान का, मानव का बहुत कुछ छूट रहा है, समय छूट रहा है, हमें इस समय को पहचानना चाहिए। समय की गति बहुत तेज़ चल रही है, समय किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए समय को पहचानें और धार्मिक पथ की ओर आगे बढ़ें और परमात्मा का दर्शन करें, यही मैं कहना चाहती हूँ। तो जाते जाते हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं, यंग बॉयज़ देखने वाले, उनके लिए क्या एक आप डिवोशनल सॉन्ग डेडिकेट करना चाहेंगे? मैं बहुत ही सुंदर डिवोशनल सॉन्ग, मतलब माँ की भेंट जो है प्रस्तुत करना जा रही हूँ। तो माँ की मूर्ति भी है जैसे हमारे समक्ष, तो माँ के दरबार में जैसे भक्तजन जाते हैं तो उनके लफ्ज में उनकी ज़ुबान पे एक ही नारा होता है, जय माता दी, ऐसी जय घोष हम लगाते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं। तेरा दर्शन करने आऊं लोग कहें जय माता दी, तेरा दर्शन करने आऊं लोग कहें जय माता दी, लोग कहें जय माता दी, माता दी, माता दी, जय माता दी। तेरा दर्शन करने आऊं लोग कहें जय माता दी, तेरा दर्शन करने आऊं लोग कहें जय माता दी। Okay.
में कदम बढ़ाऊं, लोग कहें जय माता दी, तेरा दर्शन करने आऊं, लोग कहें जय माता दी। आप सभी दर्शकों को जिस तरह से आज हमने जम्मू के टैलेंट की बात की, हमने आपको एक भाई और एक बहन से मिलवाया जो कि म्यूज़िक के स्टूडेंट है और काफ़ी बढ़िया गाती भी है और काफ़ी बढ़िया बजाती भी है। तो हमने कहीं ना कहीं कोशिश की है जिस तरह से ये ज़िंदगी, हम जिस तरह से परेशानी भरी ज़िंदगी जी रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं हमने शांति देने की कोशिश की। उम्मीद है आपको ये हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगली अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहे यंग बाइट्स। वीर जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।